जनपद देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेरो चौराहे के पास एक घर में खून के धब्बे मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक घर जो कि बाहर से और चारों तरफ से बंद है, उसमें कुछ खून के निशान और एक चाकू मिला है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रही है। ये थाना सलेमपुर क्षेत्र के अंतर्गत चेरो गाँव में आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक घर जो कि बाहर से और चारों तरफ से बंद था, उसमें कुछ खून के निशान और एक चाकू मिला है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जो है अपनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इस प्रकरण की जांच चल रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम राम पुकार है वो अभी मिसिंग है। पुलिस जांच कर रही है, जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक घर में खून के धब्बे मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि आपस के जान पहचान के लोगों में ही कुछ विवाद हुआ है। बाकी चीज़ें जो हैं पुलिस की जाँच का विषय है, जाँच चल रही है। राम पुकार जो है मिसिंग है, अभी जांच जब पूरी हो जाएगी जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कोई धारदार हथियार भी मिले हैं? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि खून के धब्बे और धारदार हथियार, एक चाकू मिला है और पुलिस इस प्रकरण में जांच कर रही है।